तो बेसिकली हम चाहते हैं कि जो मेरा सीट का नाम है, इस सीट का नाम हमें यहाँ सीट के ऊपर दिखे। मतलब हम एक फॉर्मूला ऐसा चाहते हैं जो फॉर्मूला मेरे सीट के नाम को यहाँ पे रिप्रेजेंट करे। जब मैं सीट का नाम चेंज करूँ तो यहाँ मेरा फॉर्मूला भी चेंज हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला तो नहीं है, बट हम इसमें कुछ फॉर्मूलेज खुद से बना सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे सेल फॉर्मूला लिया, सेल फॉर्मूले के अंदर हमने फाइल नेम को सिलेक्ट किया, उसके बाद आप एंटर प्रेस कीजिए तो ये पूरा आपका फाइल का पूरा पाथ विथ सीट नेम। तो आप देखेंगे फाइल का पाथ और सीट नेम के बीच में ये जो क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट है, बड़ी ब्रैकेट हम लोग इसको बोलते हैं, वो है। और फिर यहाँ पे हम फाइंड का फॉर्मूला लगाएंगे। फाइंड का फॉर्मूला क्या करेगा, मुझे बताएगा कि इसमें क्लोजिंग ब्रैकेट जो है हमारा उसका पोजीशन क्या है, कितने कैरेक्टर बाद है। फिर वापस हम राइट के फॉर्मूले से क्या करेंगे कि इसमें से इसकी कंप्लीट लेंथ को लेंथ में से 14 माइनस कर देंगे तो है हमारा सीट का नाम आ जाएगा। अब इस सारे फॉर्मूले तो अलग अलग आए हैं, आप इसको मर्ज कर सकते हैं। हमने फॉर्मूले को कॉपी किया, यहाँ B2 के ऊपर मर्ज कर दिया और यहाँ जहाँ B2 है उसके ऊपर पे डाल देते हैं, यहाँ भी B2 पे डाल देते हैं और फिर वापस B3 का फॉर्मूला लेते हैं और B3 का फॉर्मूला हम यहाँ B3 पे पेस्ट कर देते हैं। तो एक फॉर्मूला बन गया मेरे पास जो कि सीट नेम को शो करता है। अगर कल के डेट में सीट चेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए जैन की जगह पर मैंने फैब कर दिया, जैसे चेंज करेंगे अगेन यहाँ पे फैब आ जाएगा। तो इस तरह की चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं।